हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुडोफा। सो आज मैं मार्केट में आया हूँ बाहर, और मैं आपके लिए बाथरूम एक्सेसरीज़ को रिव्यू करूँगा। बाथरूम में ना बेसिक एक्सेसरीज़ बहुत सारे टाइप की होती हैं, और हमें अक्सर मालूम ही नहीं होता है कि कितने टाइप की एक्सेसरीज़ अवेलेबल हैं और हम कौन सी जगह कौन सी एक्सेसरी लगाएँ। राइट फ्रॉम स्टार्टिंग विद सोप डिस्पेंसर्स, टू सोप होल्डर्स, टू ड्रेन जालीज, टू वेरियस आइटम्स और टावल रैक्स। देर आर सो मेनी आइटम्स, इतने सारे आइटम्स हैं बाजार में कि हमें समझ में नहीं आता है। तो आज मैं वो आपके लिए डिकोड कर रहा हूँ और आपको सारी एक्सेसरीज के बारे में बताऊँगा कि एक्सेसरीज कहाँ पर यूज़ करें, कैसे यूज़ करें और अप्रॉक्सीमेटली कितने की एक्सेसरी आपको बाजार में मिल जाएगी। सो कम ऑन, लेट्स टेक अ रिव्यू एंड सी वॉट काइंड ऑफ एक्सेसरीज आर देयर इन द मार्केट फॉर द बाथरूम्स। बट बिफोर आई गो इन टू इट, I will request you to kindly subscribe to my channel and also click on the bell notification. So these are the various types of hand shower available in the market. So if you see, I was pressing a button. अगर आप button press करें तो वो various tones में water को outflow करता है. So किसी hand shower का shape oval है, तो किसी का vertical है, किसी का squarish है, तो किसी का rectangularish है. तो as per your choice, you can choose any of them. Every one is okay and good. So as per your budget also, you can choose. So it will start generally from 1000 rupees and goes up to 5000 rupees. So I am trying to show you the full panels here. ये ना पूरे panels होते हैं, तो generally हम कई बार ऐसा करते हैं कि diverter और spout की जगह हम पूरा panel ले लेते हैं। तो इसको vertical spa भी बोला जाता है in various types. तो आप इसको ऑपरेट करें तो इसके अंदर से मेस्ट एंड वाटरफॉल का शेप आता है। ये थोड़ा महंगी फिटिंग्स है, तो जनरली ये 20,000 से लेके 50,000 रुपये तक की फिटिंग्स आती हैं। ये डिफरेंट कलर शेड्स में अवेलेबल है, गोल्ड में, कॉपर में एंड सिल्वर में। सो दिस इज़ टू सोप होल्डर्स प्लेस्ड टुगेदर। तो कई बार हमें दो सोप होल्डर्स की ज़रूरत होती है, तो हम ये एक्सेसरी को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर यू कैन प्लेस योर टू सोप्स टुगेदर। सो दिस इज़ अनदर काइंड ऑफ एक्सेसरी जहाँ पर एक सोप होल्डर है एंड एक आपका टूथब्रश होल्डर है। सो यू कैन पुल इट आउट, क्लीन इट अप एंड कैन यूज़ इट वेरी वेल। सो दिस इज़ द सोप डिस्पेंसर। सो इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं जो मैं अभी इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, जो आप बहुत सारे टाइप के सोप डिस्पेंसर यूज़ कर सकते हैं। ये भी फिटिंग सोप होल्डर एंड डिस्पेंसर की है। सो दीज आर द वेरियस काइंड ऑफ सोप डिस्पेंसर। तो ये लिक्विड सोप को यूज़ करा जाता है, आपने अक्सर इसको होटल्स में देखा होगा, पर आजकल घरों में भी इसको बहुत अक्सर यूज़ कर रहे हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज टावल रैक्स। तो इसके अंदर भी वेरियस साइजेस मार्केट में अवेलेबल हैं। सो आप अपने टावल्स को इसके ऊपर रख भी सकते हो और डायरेक्टली हैंग भी कर सकते हो। सो दीज आर द वेरियस क्लॉथ हैंगर्स। सो दे आर ऑल्सो वेरी गुड फिनिश नाउडेज। इनको हम अक्सर डोर्स के पीछे या किसी बाथरूम के में एक जगह पर लगाते हैं। जो आप नीचे देख रहे हैं, ये सब के सब सोप होल्डर्स हैं। इट कैन बी इन वेरियस शेप्स एंड टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन योर बजट, यू कैन चूज एनी ऑफ देम। सो दिस इज़ अ टिपिकल ग्लास होल्डर फिटिंग, जहाँ पर ग्लास नीचे होता है। सो जितनी भी बाथरूम की एक्सेसरीज हैं, सच एज योर सोप्स, योर शैम्पूज, योर हेयर मिक्सचर्स एंड वट एवर, यू कैन कीप इट देयर। सो दिस इज़ अ वेरी एक्सक्लूसिव फिटिंग गाइज, आई एम शोइंग यू। ये ना गोल्ड कलर की फिटिंग्स हैं। तो देर वॉज अ ट्रेंड इन द मार्केट बैक 2-3 ईयर्स, जो ये बहुत ज़्यादा चला करता था, और इसको हमने कुछ अपनी साइट पर यूज़ भी किया, बट वी डिडंट फाइंड इट वेरी यूजफुल, क्योंकि इसकी कुछ प्लेटिंग कभी कभार निकल जाया करती थी। सो गाइज, दिस इज़ टिश्यू डिस्पेंसर। तो जनरली हमने इसको होटल्स में या मॉल्स में देखा होगा, एंड वी कीप आवर टिश्यूज देयर। दिस इज़ द हैंड ड्रायर गाइज। सो एज यू सी, आई एम ट्राइंग टू ड्राई माई हैंड्स। तो आप इसको अपने हैंड ड्रायर को घर में भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू। गाइज, इसको चेन फिटिंग बोला जाता है। तो जनरली इसके अंदर दो या तीन तरीके की चेन फिटिंग होती है, जिसमें दो शेल्फ या तीन शेल्फ आप लगा सकते हो। सो रादर देन कीपिंग इंडिविजुअल और मल्टीपल शेल्फ, यू कैन बाय वन फिटिंग एंड यू कैन प्लेस नियर योर बेथिंग एरिया। गाइज, आई एम ट्राइंग टू नाउ शो यू कि बहुत सारी तरीके की जालीज होती हैं जो हम ड्रेन के लिए यूज़ करते हैं। सो पहले इसको सिर्फ गोल शेप में ही देखा जाता था, बट नाउ आजकल इसमें स्क्वायर शेप्स, रेक्टेंगुलर शेप बहुत पॉपुलर हैं। एज यू कैन सी, दीज आर द ऑल न्यू टाइप्स। सो दिस इज़ हाउ। सो अगर आप इसमें कचरा फंस भी जाता था, तो आप इसको अब ऐसे निकाल सकते हैं, तो ये ऊपर का एरिया बिल्कुल क्लीन रहेगा और आप नाली को यूज़ कर सकेंगे। सो ये इसका साइज थोड़ा छोटा है, इट इज़ 4 inches by 4 inches। अगेन, इट कैन बी रिमूव्ड। दिस इज़ राउंड इन शेप एंड द वन आई एम शोइंग यू नाउ, ये
काफ़ी अच्छी पॉपुलर ड्रेन जाली बोलते हैं, इट इज़ इन 24 इंचेस टू 36 इंचेस के साइज़ में अवेलेबल होती है। सो आपका वट एवर डस्ट, वट एवर कचरा इज़ देयर और योर हेयर इज़ देयर, तो ये सब इसमें फंस जाते हैं, यहाँ पर रुक जाएंगे और आराम से आप क्लीन कर पाएंगे। उसके बाद आपका वाटर आराम से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो ये गोल जालीज हैं जो अक्सर पहले पॉपुलर थी, जो पहले यूज़ किया जाती थी, पर अभी बहुत कम हो गया है। नाउ पीपल आर मोर यूजिंग द स्क्वायर और द रेक्टेंगुलर जालीज। आई होप माई वीडियोज़ आर मेकिंग सेंस टू यू। सो टुडे वी कवर्ड बाथरूम एक्सेसरीज, तो आज हमने सारी बाथरूम की एक्सेसरीज कवर करी थी। हो सकता है मैंने कोई मिस कर दी हूँ जो और भी अवेलेबल हों मार्केट में, और आपको लगता है मैंने कोई एक्सेसरी मिस करी है जो आपने देखी है या आपने अपने बाथरूम में लगाई है। सो काइंडली पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो शेयर दैट पिक्चर विद अस। सो आई विल ट्राई टू कवर दोज एक्सेसरीज इन द नेक्स्ट वीडियोज। थैंक यू। सो बिफोर यू लीव, काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन। थैंक यू।